सो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस आज की इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ डिप्लोमा एडमिशन प्रोसेस 2023 के बारे में। तो गाइस इस वीडियो में आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से जो है आपको डिप्लोमा में जो है एडमिशन मिलेगा। तो गाइस इस वीडियो के अंदर जो है मैंने टोटल जो है 7 to 8 स्टेप्स बताए हैं। उन स्टेप्स के अगर आपने ध्यान से समझ लिया तो आपको जो है एकदम ईजिली जो है एकदम सबसे टॉप डिप्लोमा कॉलेज में जो है आपको एडमिशन मिल जाएगा। तो गाइस मुझे जो है लास्ट 6 साल का एक्सपीरियंस है, आप मेरे चैनल पे विजिट करोगे तो वहां पर आपको देखने मिल जाएगा कि भाई पिछले 6 साल से जो है मैं इंजीनियरिंग एडमिशन कैसे होता है उसके ऊपर वीडियोस बना रहा हूँ। तो आपको जो है मैं कंप्लीट अपने एक्सपीरियंस के साथ जो है गाइड कर रहा हूँ। गाइस आने वाले टाइम में आपको ये पता चलेगा कि डिप्लोमा एडमिशन फॉर्म कैसे फिल किया जाता है, डिप्लोमा प्रोविजनल मेरिट लिस्ट क्या होती है, फाइनल मेरिट लिस्ट क्या होती है, सीट मैट्रिक्स क्या होता है, सारे वीडियोज आपको जो है चैनल पर मिलने वाले हैं। उसके लिए करना क्या है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है सो देट आप कोई भी अपडेट और नोटिफिकेशन मिस ना कर सको। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है योगेश शर्मा, आप देख रहे हो टू टू टेक। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो भाई सबसे पहले एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पे आते हैं कि भाई कई स्टूडेंट्स को जो है कंफ्यूजन होता है क्या पॉलिटेक्निक और डिप्लोमा अलग है। नहीं, ये अलग नहीं है, डिप्लोमा को ही जो है पॉलिटेक्निक कहा जाता है। कई बच्चों को जो है पॉलिटेक्निक और डिप्लोमा के बीच में कंफ्यूजन होता है, तो यहाँ पर सबसे पहले इस कंफ्यूजन को क्लियर कर लो कि पॉलिटेक्निक एंड डिप्लोमा सेम है। अब सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, भाई हमें जो है डिप्लोमा एडमिशन प्रोसेस इसके लिए हमें अकाउंट कहाँ क्रिएट करना है, रजिस्ट्रेशन कहाँ करना है। तो इसके लिए स्टेप 1 अकाउंट क्रिएशन करना, डॉक्यूमेंट्स को अपलोड, फॉर्म फिल करना, वो कहाँ करेंगे, तो उसके लिए आपको विजिट करना होता है poly23.dtmaharashtra.government.in। ये जो है ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर जो है सर्कुलर डिक्लेयर हो चुका है। तो जो लास्ट डेट है अकाउंट क्रिएट करना, रजिस्ट्रेशन करना, डॉक्यूमेंट अपलोड करना एंड वेरिफिकेशन करना, तो वो आप कर सकते हो 21 जून 2023 तक। तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है, अकाउंट क्रिएट करना। जब आप आपका अकाउंट क्रिएट करोगे तो वहां पे आपको डालना होता है फुल नेम। तो ये आपका जो फुल नेम है ये SSC मार्कशीट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। उसके बाद आपको एक्टिव मोबाइल नंबर और एक्टिव ईमेल आईडी देना है। अकाउंट क्रिएट हो गया, अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, स्टेप 2, आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है और फिर वेरिफिकेशन करना है। तो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते वक्त आपको आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालनी है, फिर आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स डालने हैं। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, आपको SSC मार्कशीट और लिविंग सर्टिफिकेट, ये 2 जो है मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है अगर आप ओपन कास्ट में आते हो। अगर आप कास्ट में आते हो आपको जो है कास्ट कैटेगरी, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट, इस टाइप के डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। अगर आप TFWS के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो फिर आपको इनकम सर्टिफिकेट जैसी थिंग्स रिक्वायर्ड होंगी, जिसे उत्पन्ना सा दाखिला कहते हैं। और अगर आप जो है EWS में आते हो तो फिर आपको EWS सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा। तो ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपको अपलोड करने होंगे और फिर जो है आपका जो फॉर्म फिलिंग है उसे कंप्लीट करोगे। जब आप आपका फॉर्म फिलिंग कंप्लीट कर लोगे तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बेसिकली क्या होता है, फैसिलिटेशन सेंटर या ई स्क्रिनिटी सेंटर है वो आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करते हैं। तो अगर आपने प्रॉपरली डॉक्यूमेंट वेरीफाई किया है तो नेक्स्ट स्टेप में जो है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट डिक्लेयर होती है। तो उस प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में आपको आपका नाम शो होता है, आपको पता चलता है कि भाई आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आप पूरे महाराष्ट्र में कहाँ पर रैंक करते हो। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली वेरीफाई नहीं होते हैं तो आपको जो है ग्रीवेंस पीरियड के अंदर उन डॉक्यूमेंट्स को फिर से रीसबमिट करना होगा सो दैट फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका जो है नाम आ सके। तो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में भी आपको आपका नाम चेक करना होता है और उससे आपको ये पता चलता है कि महाराष्ट्र में आपका रैंक कहाँ आता है। और फाइनल मेरिट लिस्ट में भी आपको जो है आपका नाम चेक करना है और उसमें भी आपको पता चलता है कि ऑल ओवर महाराष्ट्र में आपका रैंक क्या आता है। अगर आपका नाम जो है फाइनल मेरिट लिस्ट में आता है तो ही जो है आप कैप राउंड के ऑप्शन फॉर्म फिलिंग के लिए एलिजिबल होते हो। अगर आपका नाम फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं आता है तो आप कैप राउंड का ऑप्शन फॉर्म फिल नहीं कर सकते। तो फाइनल मेरिट लिस्ट डिक्लेयर हो गई, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप प्रोसेस क्या होती है, उसके बाद आता है सीट मैट्रिक्स। अब ये जो सीट मैट्रिक्स होती है ये क्या है, सीट मैट्रिक्स आपको बताती है कि भाई कौन से कॉलेज में कौन से ब्रांच के लिए और कास्ट कैटेगरी वाइज कितने सीट अलोकेटेड है। तो आपको पता चलता है कि भाई ये पर्टिकुलर कॉलेज है, मान लो कि JSPM करके कॉलेज है, इस JSPM कॉलेज में कंप्यूटर ब्रांच के लिए ओपन कास्ट के लिए जो है 5 सीट्स अलोकेटेड है या 50 सीट्स अलोकेटेड है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको सीट मैट्रिक्स से पता चलती है। उसके बाद सीट मैट्रिक्स डिक्लेयर होने के बाद स्टार्ट होता है कैप राउंड्स। कैप स्टैंड्स फॉर सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस। तो कैप के जो है टोटल डिप्लोमा में 3 राउंड होते हैं, कैप राउंड 1, कैप राउंड 2, कैप राउंड 3।
कैपराउंड वन में मेजोरिटी ऑफ सीट्स अवेलेबल होती हैं, लगभग मान के चलो 50-60% सीट्स कैपराउंड वन में फिल हो जाती हैं, बची हुई कुछ लगभग 20-30 सीट्स जो है कैपराउंड टू में फिल होती हैं, और बाकी जो रिमेनिंग सीट्स होती है वो कैपराउंड थ्री में फिल होती है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट थिंग होता है ऑप्शन फॉर्म। जब आप कैपराउंड वन का ऑप्शन फॉर्म फिल करते हो तो वहाँ पर जो है आपको कॉलेजेस के नाम डालने होते हैं, तो आप मिनिमम वन कॉलेज और मैक्सिमम 250 कॉलेजेस के नाम डाल सकते हो। जब आप कॉलेजेस के नाम डालते हो तो वो आपको अरेंज करने होते हैं प्रायोरिटी में। तो अगर आप कॉलेज के नाम प्रॉपर प्रायोरिटी में नहीं डालोगे और अगर आपका एडमिशन कैपराउंड वन में नहीं लगता है तो आपको कैपराउंड टू में बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपको एक बेटर कॉलेज मिल सकेगा। तो आपके जो इस प्रॉब्लम को जो है हम सॉल्व करते हैं हमारे कॉलेज रिकमेंड लिस्ट के थ्रू। हम आपको जो है प्रोवाइड करते हैं कॉलेज रिकमेंड लिस्ट जो कि बनी हुई होती है आपके पर्सनल मार्क्स के अकॉर्डिंग, आपकी पर्सनल कास्ट कैटेगरी के अकॉर्डिंग, और आपको जहां पर एडमिशन लेना है चाहे वो पुणे हो मुंबई हो, तो उस पर्टिकुलर लोकेशन के अकॉर्डिंग हम आपको कॉलेजेस सजेस्ट कर रहे होते हैं। हम जो कॉलेजेस आपको सजेस्ट करते हैं ये वो कॉलेजेस होते हैं जहां पर आपके एग्रीगेट परसेंटेज के अकॉर्डिंग आपको एडमिशन मिलने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं, और ये जो सारे कॉलेजेस हैं ये प्रायोरिटी में अरेंज होते हैं। तो अगर आपको आपकी पर्सनल कॉलेज अकाउंट लिस्ट चाहिए तो आप हमारा बेसिक प्लान बाय कर सकते हो। अगर आपको मुझसे 1-to-1 लाइव कंसल्टेंसी चाहिए और कॉलेज रिकमेंड लिस्ट चाहिए तो आप जो है प्रोफेशनल प्लान बाय कर सकते हो। 1-to-1 लाइव कंसल्टेंसी में जब तक आपका एडमिशन नहीं होता तब तक मैं आपको गाइड कर रहा होता हूँ, वहाँ पर आपकी जो है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, कौन से स्कॉलरशिप्स हैं, कैसे आपकी फ़ीस रिड्यूस हो सकती है, उस कॉलेज का बैकग्राउंड क्या है, उस कॉलेज की इन्फॉर्मेशन मैं आपको 1-to-1 लाइव जो है कंसल्टेंसी में बता रहा होता हूँ। और तीसरा हमारा होता है एडवांस प्लान, जिसमें आपको जो है हमारी टीम लाइव ऑप्शन फॉर्म फिल करके देती है, क्योंकि जब हम ऑप्शन फॉर्म फिल कर रहे हैं तो जरा भी गलती नहीं होगी और आपको जो है एडमिशन भी वहाँ पे इजीली मिल जाएगा। तो ऑलवेज मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आपके अकॉर्डिंग जो भी आपको रिलेवेंट प्लान लगता है आप अभी जाकर आपकी सीट बुक कर सकते हो, इससे पहले प्लान की प्राइस हाई हो जाए या सीट्स सारे बुक हो जाए। तो भाई जब आप ऑप्शन फॉर्म फिल कर लेते हो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है कैपराउंड का रिजल्ट डिक्लेयर होना। तो जब कैपराउंड का रिजल्ट डिक्लेयर होता है तो वहां पर आपको ये पता चलता है कि भाई आपको कौन सी कॉलेज अलोकेट हुई है या कौन सी कॉलेज अलोकेट नहीं हुई है। तो अगर आपको कोई कॉलेज अलोकेट हो जाती है तो वहां पर आपको कॉलेज का नाम दिखता है, और अगर फर्स्ट प्रायोरिटी कॉलेज अलोकेट हो जाती है तो वो ऑटो फ्रीज हो जाती है, मतलब आपको मैंडेटरी उस कॉलेज में एडमिशन लेना है। अदर देन फर्स्ट प्रायोरिटी कोई कॉलेज अलोकेट होती है तो आपके सामने फ्रीज और नॉट फ्रीज जैसे दो ऑप्शंस आते हैं। अगर आपको जो कॉलेज अलोकेट हुई वो पसंद है और आपको वहीं पे एडमिशन लेना है तो आप फ्रीज कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि इससे बेटर कॉलेज मुझे मिल सकता है कैपराउंड टू में तो आप नॉट फ्रीज करके 1000 रुपीज सीट एक्सेप्टेंस भी पे कर सकते हो और फिर आप कैपराउंड टू में पार्टिसिपेट करते हो। अगर आप उस कॉलेज को फ्रीज करते हो तो आपको जो है रिसिप्ट का एक्नॉलेजमेंट जनरेट होता है, वो रिसिप्ट का एक्नॉलेजमेंट लेकर जो कॉलेज अलोकेट हुई वहाँ पे विजिट करो, और वहाँ पर जो है आपने जो रजिस्ट्रेशन करते हो जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे वो भी आपको वापस से रीसबमिट करने होते हैं, वो क्रॉस वेरीफाई करते हैं, और कॉलेज की जो फीस होती है आप वो पे कर आपका वहाँ पे एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट होता है। लेकिन अगर आप नॉट फ्रीज करते हो तो आप जो है कैपराउंड टू में जा सकते हो बेटरमेंट के लिए, और फिर से आप जो है कैपराउंड टू में ऑप्शन फॉर्म फिल करोगे और वहाँ पे अगर उससे बेटर कॉलेज आपको मिलती है तो आपको वहाँ पर एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन अगर कोई उससे बेटर कॉलेज नहीं मिलती है तो कैपराउंड वन की जो आपने सीट रिसीव की थी 1000 रुपीज पे करके वो आपके पास जो है सेफली रहती है, आप चाहो तो फिर से उसे फ्रीज करके वहाँ पर एडमिशन ले सकते हो। लेकिन एक चीज़ याद रखो कि भाई तीन ही कैप राउंड होने वाले हैं, कैप वन कैप टू कैप थ्री, तो कोशिश आपको ये करने की भाई कैप राउंड वन में ही आपका जो है एडमिशन हो जाए, और उसी के लिए हम जो है आपको कॉलेज रिकमेंड लिस्ट दे रहे होते हैं। सो गाइस उम्मीद करता हूँ ये जो पूरा DSC एडमिशन प्रोसेस है आपको समझा होगा, आपके जो डाउट्स है सब कुछ क्लियर होंगे। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट करो, मैं आपको डेफिनेटली आंसर दूंगा। सो गाइस वीडियो पसंद आई तो एक लाइक ठोक दो, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दो, ये वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। और एक इंपॉर्टेंट थिंग, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप जो भी चाहो आपका बेसिक प्रो एडवांस आप प्लान बुक कर सकते हो। सो गाइस थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, मिलता है न्यू टॉपिक पर, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।